थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और ऐसे बोल दो कि ना आसान भी है थोड़ा सा, ठीक है। पहले वाले मेथड से थोड़े से आने, मतलब आंसर यहाँ से आ जाते हैं सबके, पहले से भी आ जाएंगे, पर पहले में थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है देखो, हमें ना एक इक्वेशन गिवन है, जैसे हमने इक्वेशन में लिखा ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। जैसे सपोज हमने कोई इक्वेशन लिख रहा था एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब कि ना तुम्हें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और उस फॉर्मूले से तुम्हें क्या लिखना है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखा और इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना, ठीक है। बस एक बार फॉर्मूला आप कर लो फिर आंसर आने, मतलब सब में ये फॉर्मूला लगाने फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। अब ये ए बी सी क्या होते हैं, ये बी क्या है, ये ए क्या है और ये सी क्या है, ठीक है। देखो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये कल भी बताया था और परसों भी बताया था मैंने। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है, मतलब इस इक्वेशन को लिखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कौन है ए होगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है वन होगा, तो इसका मतलब कि जो तुम्हारा ए होगा ना इस ए का वैल्यू कितना आ गया वन, ये होगा ना ए का वैल्यू, बस कंपेयर करके निकालना है। एक्स के आगे बी है, एक्स के आगे फाइव है, बी का वैल्यू कितना हो गया फाइव, ठीक है। सी कॉन्स्टेंट है और सिक्स कॉन्स्टेंट है, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया सिक्स, ये हो गया ना तीन वैल्यू, ठीक है। तो बस हमें जो भी इक्वेशन गिवन हो गया ना उन सबको इक्वल टू के धर लेकर आओ, जीरो के इक्वल टू लेके आओ और वहां से एबीसी की वैल्यू निकालो इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, ठीक है। जैसी एबीसी का वैल्यू निकला इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, कैसे देखो आओ एक्स इक्वल टू माइनस फॉर्मूला वैसे लगाना है, बस एबीसी की वैल्यू रखना है। बी का वैल्यू कितना है हमारे पास फाइव है, ये हो जाएगा फाइव प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस एक साथ कैसे आ गए अभी समझाऊंगा इसका मतलब, अंडर देखते रहना ध्यान से, ठीक है, लास्ट तक पूरा समझना आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है बी स्क्वायर, यानी इस फाइव का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फाइव का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई ए और सी, ए का वैल्यू कितना है वन है और इसका वैल्यू कितना है सिक्स, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। फोर ए के अकाउंट में क्या लिखा है टू ए, टू मल्टीप्लाई ए की जगह पे कितना आ जाएगा वन, ये हो गया ना ए की जगह पे वन, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस फाइव ऐसी प्लस माइनस अंडर रूट फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, फोर बन जाओ फोर और फोर सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर अपॉन में टू बन जाओ कितना हो जाएगा टू, ये हो गया ना टू है, ठीक है। इसके बाद एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखा हूँ मैं, ठीक है, माइनस का फाइव एंड प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी फोर गए कितना आएगा वन आ जाएगा और अपॉन में कितना चल रहा टू। एक्स इक्वल टू माइनस फाइव प्लस माइनस वन तो अंडर रूट से बाहर आ सकता है ना, तो कितना आ जाएगा वन, ये वन ही रहेगा, सिंपल सी बात है अंडर रूट वन का वन ही होता है आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पर अंडर रूट फोर होता तो आंसर कितना होता टू होता है, तो पता ही है तुम्हें, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये वाला कितना आ जाएगा वन, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्या है देखो, ये प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना इधर देखो इधर, ठीक है, जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो सॉल्व करने पे ना x की जो वैल्यू है x की वैल्यू कितनी आएंगी, x की आएंगी दो वैल्यू, क्यों आएंगी दो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है और पावर भी इसकी टू है तो दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो हमने देखो एक बार इस वाली वैल्यू को, बाकी का साइन कोई चेंज नहीं होगा, ये माइनस का वाई वैसे लिखा जाएगा, प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार इस वैल्यू को किसमें लो प्लस में लो और एक बार इसी वैल्यू को किसमें लेना है माइनस में लेना है, बाकी के कोई साइन चेंज नहीं, फाइव का साइन वैसे आएगा माइनस का माइनस और माइनस का माइनस, बस जो ये साइन है ना इसको एक बार प्लस में लिखो और एक बार साइन को किसमें लिखो माइनस में, समझ में आ गया प्लस माइनस का मतलब क्या है वो, ठीक है। माइनस फाइव प्लस वन, थोड़ा सिंप्लीफाई करना, माइनस फाइव प्लस वन यानी दोनों माइनस के होते तो क्या होता है माइनस ही, सॉरी एक माइनस एक प्लस होता तो माइनस होता है, फाइव में से बन गया कितना बचेगा फोर और फाइव बड़ा है माइनस का ये, तो कितना आ जाएगा माइनस का टू, ठीक है। इधर से माइनस फाइव हुए दोनों के दोनों माइनस के हैं तो ऐड होते हैं माइनस का सिक्स अपॉन टू यानी कितना आएगा माइनस का थ्री, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है ना एक वैल्यू माइनस टू एक वैल्यू माइनस थ्री, ये तुम्हारा सुनना आ गया, ठीक है। बस तुम्हें क्या याद रखना है इस फॉर्मूले को याद करना है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि रटना है इसको, ठीक है। अभी हम पता नहीं कितने क्वेश्चन करेंगे कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तुम यारह फॉर्मूला लगाते रहोगे अपने आप से याद होता रहेगा वो, समझ आगे नहीं है, ठीक है। बस दो तीन चीजें समझ जाना कि एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है, प्लस माइनस को कैसे यूज करना है बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये जो मेथड है ना ये मतलब सब ज्यादातर बच्चे इसे लगाते हैं, ज्यादातर बच्चे, ठीक है। इसे लगाने पर ना एक और चीज भी है एक और नुकसान भी है, क्या नुकसान है,
अगर यहाँ पर सपोज कोई बड़ा सा नंबर आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई बड़ा नंबर लिख दिया, तो क्या तुम उसका रूट निकाल लोगे? उसका रूट निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए पहले वाला मेथड आसान है, स्प्लिट मिडिल टर्म, पर ये वाला भी क्या, ये भी आसान है, बस फॉर्मूले याद करना है और वैल्यू निकालने आनी चाहिए, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में ना 5x² - a, ठीक है, पहला हमारा वही काम है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। a का वैल्यू कितना होगा बोलो? 5 होगा। b का वैल्यू -6, साइन भी लिया जाएगा साथ में -6, ठीक है, और c का वैल्यू -2, समझ में आ गया ना, साइन भी लिया जाएगा, ठीक है। अगर तुम इसको -6 नहीं लोगे, 6 लोगे, तो आंसर क्या आएगा? गलत आएगा, ठीक है। तो साइन के साथ जाना है हमें, क्या लोगे? माइनस ए, ठीक है। डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है x = -b, पहले फॉर्मूला उतारना हर क्वेश्चन में, जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है, upon 2a, ये होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करनी है, x = b का वैल्यू क्या है? -6 है, क्या 2 माइनस ऐसे लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। रुक, किसका यूज करते हैं? ब्रैकेट का यूज, ये तो पता ही है, नॉर्मल सी बातें हैं। प्लस माइनस ऐसे आएगा b² तो -6² - 4 a, a की जगह पे कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई सी की जगह पे क्या आएगा? -2, ये हो गया ना साइन के साथ, पूरे के अकाउंट में 2 * a, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे कितना आएगा? 5, ठीक है। अब बस तुम्हें वैल्यू तो देखो हर कोई लगा देगा, ठीक है, बस तुम्हें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो गया, ये प्लस माइनस ऐसी, -6² कितना आएगा? 36, और प्लस का 36 आएगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। ये तुम्हें पता होगा कि अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो उसका आंसर किसमें आता है? पॉजिटिव में, और किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है ना तो उसका आंसर किसमें आता है? नेगेटिव में। तो उसकी पावर क्या है? इवन होगी तो आंसर किसमें आएगा? पॉजिटिव। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये कितना आ जाएगा? 5 * 4 = 20, 22 कितना हो जाएगा? 40, ये हो गया ना 40 हो गया ये, ठीक है। पूरे के अकाउंट में 5 * 2 कितना हो जाएगा? ये हो गया 10, ये हो गया ना 5 * 2 कितना हो जाएगा? 10 हो गया, ठीक है। x = ये 6 ऐसी प्लस माइनस, ठीक है, 40, और इसको मैं जब प्लस करूँगा कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 76/10, ये हो गया ना 76/10, ठीक है। 76 होता है किसी का रूट? होता है, 6 का भी नहीं होता ना, 6 का, 7 का, 8 का, 8 का कितना होता है? 64 होता है, 9 का होता है कितना? 81 होता है, 76 तो होता ही है ना, तो इसके आगे कैसे करोगे सॉल्व? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ठीक है, x = यहाँ पर देखना, प्लस का 6 प्लस माइनस, भाई 76 ना, इसके फैक्टर, इसके हम रूट नहीं कर सकते, रूट नहीं होता ना इसका, तो तुम्हें क्या करना है? इसके ना फैक्टर्स करने हैं, ठीक है, रफ में जाना और 76 क्या करना? फैक्टर्स करना, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा ये? 3, और यहाँ पर कितना आ गया? 8, 38 हो जाएगा ना ये, ठीक है। फिर दोबारा 2 से हो सकता है, कितने बार हो जाएगा 2 से दोबारा ये? 1, और यहाँ पर कितना आएगा? 9, तो ये कितना होगा? 19 और 1, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 * 2 * 19 और अपॉन कितना आ जाएगा? 10, ये हो गया ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद देखना, x = 6 ऐसी प्लस माइनस, ये 2 तुम बाहर लोगे, 2 बाहर आएगा, कितना आएगा? √19, ये बच जाएगा ना इतना है, 2 मैंने भाग लिया और अंडर रूट कितना हो जाएगा? 19, पूरे के अकाउंट में कितना आएगा? 10, तो ये प्लस माइनस है। अब अच्छा ये 2 और 6 ऐड करके हो सकते हैं, 2 और 6, ऐसे नहीं कर सकते, प्लस प्लस माइनस को थोड़ा सा हटाएंगे, 6 + √19 अपॉन कितना आएगा? 10, और दूसरा आंसर किसमें लिया जाता है? माइनस में, तो 6 - √19/10, क्या ये 2 दोनों प्लस हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते, प्लस होगी इसके साथ क्या करना? रूट, और ये 2 से ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक तरीका है, इन दोनों में से ना 2 कॉमन ले लो, ठीक है, ये कितना बच जाएगा यहाँ पर? 3 + ये तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, √19 अपॉन कितना हो जाएगा? 10, ये से कटेगा 5 बार, ये होगा ना 5 बार, ठीक है। x का वैल्यू कितना आएगा? 3 + √19/5, वैसे इसको सॉल्व कर लो, 2 कॉमन लोगे यहाँ से कितना आएगा? 3 - √19/10, ये कटेगा इससे 5 बार, तो दूसरा वैल्यू कितना आ गया? 3 - √19/5, तो ऐसे उठपटांग आंसर भी आ सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं आंसर हमारे रियल नंबर आएंगे, ठीक है। ये कौन सा नंबर है? एक इरेशनल नंबर बन गया ना, क्योंकि इरेशनल क्योंकि √19 चल रहा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आंसर में हमेशा 2, 3, 4 पर भी ये नंबर आएंगे, ठीक है, आंसर में अंडर रूट वाले भी आ सकते हैं, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अच्छा ये हम अगर ना ये क्वेश्चन हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं तो हो जाता है, ये हो ही नहीं पाता, क्यों नहीं हो पाता अभी देखेंगे, पहले उसको उतारो फटाफट से। जैसे
चल रहा है 2x square minus 5x और plus 3, ठीक है? पहले वही ax square plus bx plus c equal to 0, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का वैल्यू minus 5 और c का वैल्यू 3, ये हो जाएगा ना ये। अब देखो यहाँ पर, देखो मैं दोनों मेथड से ये क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? फिर तुम खुद ही देखना कहाँ से ज्यादा आसान है, कहाँ से हमें टाइम कम लगेगा। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये होता है फॉर्मूला। मैं थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करूंगा, देखना ये माइनस यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, डायरेक्ट 25, ठीक है? सुनना आ गया ना मैंने क्या करा है, माइनस 4 इंटू ये वाला कितना आएगा 2 और इंटू कितना आएगा 3, ठीक है? पूरे के अपॉन में 2a, 2a का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 टू जा 8, 8 थ्री जा कितना हो जाएगा 24 अपॉन 4। x इक्वल टू 5 एंड प्लस माइनस, इससे माइनस करोगे 1 आएगा और 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है, तो इनमें आ गया मैंने क्या करा है, अपॉन में कितना आ गया 4। x की वैल्यू, अब x की वैल्यू 2 आएंगी, ठीक है? पहली वाली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 1 अपॉन 4 और दूसरा क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 4। x इक्वल टू 6 अपॉन 4, इधर पे आएगा 4 अपॉन 4, 6 अपॉन 4 का मतलब कितना हो गया 3 बाय 2 हो गया और x की वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है? अगर मैं इसी क्वेश्चन को, इधर देखना ध्यान से, ठीक है? मैं इसी क्वेश्चन को ना अब कौन से वाले मेथड से करते हैं एक बार, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है? इसी क्वेश्चन को एक बार इस वाले तरीके से भी करते हैं और आंसर हमारे ये आने चाहिए, देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। इक्वेशन क्या है, 2x square minus 5x plus 3, ठीक है? ध्यान से देखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई है कितना आएगा 6 आएगा, 6 के फैक्टर 5 आते हो, कौन कौन से 2 और 3, ये तो होंगे 2 और 3, ठीक है? अगर मैं 2 प्लस 3 करूंगा कितना आएगा 5 आएगा और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है? ये 2x square ऐसी, इसको ऐसे लिख दो माइनस का 2x और माइनस का 3x, ये हो जाएगा ना ऐसे करके, ठीक है? और ये क्यों है देखो, क्रॉस चेक भी क्या करो, मैंने कल भी समझाया था, माइनस 2 माइनस 3 आंसर कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस 2 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई, यानी माइनस 2 और माइनस 3, माइनस 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा माइनस का 5, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 करोगे कितना आएगा प्लस का 6 आएगा। ये क्रॉस चेक किया करो एक बार, गलती ना हो कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ब्लू कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर जब मैंने पूरा कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा 1। इन दोनों में माइनस 3 में कॉमन ले सकता हूँ, माइनस 3 कॉमन लेने पे साइन चेंज, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है? इक्वल टू 0, पहले वाला ब्रैकेट x माइनस 1 ऐसे रखो, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, पहले वाला ब्रैकेट को 0 के बराबर रखोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट को 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3 अपॉन 2, दूसरा आंसर ये, और ये पहले वाले जो आंसर आते हैं 1 और 3 बाय 2, ठीक है? तो चॉइस तुम्हारे पास है, तुम्हें ये मेथड लगाना है वो मेथड लगाना है, आंसर दोनों से क्या आएंगे एक जैसे आएंगे, ठीक है? इधर सुन लो पहले दौड़ने से पहले, ठीक है? इस वाले मेथड में क्या होता है, इससे सारी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, इससे सारी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, इससे पीछे वाली इक्वेशन कर पाते हैं मुझसे सॉल्व हो ही नहीं पा रही थी, ठीक है? पर ये मेथड ऐसा है, इसको तो यूनिवर्सल मेथड, यूनिवर्सल यानी कि इससे जितनी भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी सारी, समझ में आ गया ना ये, ठीक है? उतारो इसको, दोनों मेथड डालना उसी क्वेश्चन में।